प्रेमी भक्तों, गुरु गोरखनाथ की महिमा सारे जग में न्यारी है। माता बाछल ने ये सब बातें महलों में आकर अपनी बहन काचल के सामने बता दी कि कल गुरु गोरखनाथ मुझको संतान प्राप्ति का फल देंगे। अब तो काचल सारी रात नहीं सोई और माता बाछल से पहले ही उनके वस्त्र धारण करके खीर खांड के भोजन बनाकर बागों में पहुंच गई और गुरु गोरखनाथ के चरणों में सर टेक दिया। गुरु गोरखनाथ ने काचल को फल दे दिया और वहां से अपने चेलों के संग में प्रस्थान कर गए। आइए सुनाते हैं आगे का हाल इस भजन के माध्यम से। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल बाबा जहरवीर की, के मेरे गुरु गोरख बाबा की है महिमा न्यारी। मेरे गुरु गोरख बाबा की है महिमा न्यारी, महिमा न्यारी भैया लीला न्यारी, महिमा न्यारी अरे रे रे लीला न्यारी रे। मेरे गुरु गोरख बाबा की है महिमा न्यारी, मेरे गुरु गोरख बाबा की देखो लीला न्यारी। और क्या हुआ, गुरु की सेवा की बाछल ने दिन और रात गवाई। हाँ अरे 12 बरस की सेवा का फल काचल ले गई आई। हाँ अरे सगी बहन संग धोखा किया ऐसी बुद्धि विचारी। मेरे गुरु गोरख बाबा की है महिमा न्यारी, मेरे गुरु गोरख बाबा की देखो लीला है न्यारी। और जब माता बाछल अगले रोज खीर खान के भोजन लेकर जाती है तो देखा कि 9 लाख बागों से गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों सहित प्रस्थान कर चुके थे। आहा, माता बाछल एकदम आंखों में आंसू भर लाई और क्या, अरे ले भोजन बाछल जब चाली बागों में पहुंची जाई। हाँ दूना सुना देख गुरु का बाछल गई घबराई। हाँ वो गोरख गोरख करती फिरती बाछल रोई बिचारी। मेरे गुरु गोरख बाबा की है महिमा न्यारी, मेरे गुरु गोरख बाबा की देखो लीला है न्यारी। गोरखनाथ की भक्ति में लीन माता बाछल 12 वर्ष के लिए फिर से बाबा की तपस्या करने लगी, पूजा करने लगी, आराधना करने लगी। और क्या, अरे 12 वर्ष दोबारा सेवा फिर बाछल ने की नी। गोरख ने खुश होकर भाई गूगल उसको दीनी। अरे फिर गोरख ने
बाद गुरु गोरखनाथ दोबारा आए और खुश होकर के माता बाथल को गूगल देते हैं। दूध में घोलकर माता बाथल उस गूगल को खाती हैं और क्या होता है, अरे ले गूगल बाछल घर आई सखियों में बतराई, बची कुची बाछल ने रे भैया घोल दूध में खाई, अरे गोरख की कृपा से हो गए जहर वीर अब तहरी मेरे गुर, गोरख बाबा की है महिमा न्यारी मेरे गुर, गोरख बाबा की देखो लीला है न्यारी। गुरु गोरखनाथ की कृपा से माता बाथल के गर्भ से आज जहर वीर ने जन्म लिया है।